हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मैट्रिसेस बुक से ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो इस वीडियो में हम समझेंगे। आपके सामने एक मैट्रिक्स दे रखा है और हमें इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। ए माइनस लेमडा आएगा। जब भी आपसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मांगी गई हो या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड करने के लिए कहा गया हो, तो ऑलवेज आप ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। लेमडा यहां पर एक स्केलर है जिसकी वैल्यू ही कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ए मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू यहां पर रख लेते हैं। इसका जो ऊपर दे रखा है क्या है, 1 2 3 0 2 3 और 0 0 2 माइनस लैम्डा आई। आई यहां पर है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस पूरे का हमें डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल रखना है। ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करके इन दोनों मैट्रिसेस को अगर आप माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस लैम्डा 2 3। फिर ये तो 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, ये मिलेगा 2 माइनस लैम्डा, ये 0 मिलेगा और ये 3 मिलेगा और ये हमारे पास 2 माइनस लैम्डा आएगा। तो इस पूरे का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल रखेंगे। अब इसका डिटरमिनेंट अगर हम फाइंड आउट करेंगे, आप खुद भी करके देख सकते हैं, तो इसका डिटरमिनेंट कुछ यूं आएगा, 1 माइनस लैम्डा। आपको पता ही होगा डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये कुछ ऐसा हमें मिलेगा। तो इससे मुझे 1 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर मिल रहा है। तो अब आपके सामने ये जो इक्वेशन दिख रही है ना, इसी को बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूं। इससे हम जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे वो भी आपको समझाऊंगा। तो अभी हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। अब यहां से इसको 0 के इक्वल रखोगे तो लैम्डा की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, 2 मिल रही है, 2 मिल रही है। इससे आपको इक्वल रूट्स मिलेंगे ना, तो 2 2। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आपको इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मिल रहे हैं। तो ये तो आपको पता लग गया कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो हमें ये तो मिल गई है। इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं और फाइनल आंसर दिखाता हूं आपको क्या आएगा अगर मैं 1 माइनस लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई करूं। तो ये जो इक्वेशन थी ना, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में मैंने इस फॉर्म में यहां पर शो कर दिया। इसको भी आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेंगे। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की एक खासियत होती है, वो क्या है कि अगर आप लैम्डा की जगह ए मैट्रिक्स को पुट कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ए क्यूब माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 8 ए माइनस 4। आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेंगे ऑफ मैट्रिक्स ए। ध्यान रखना है जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है इसको ए मैट्रिक्स क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और यहां से आप आसानी से ए इनवर्स निकाल सकते हैं। कैसे, मैं इन तीनों में से क्या करता हूं, ए निकाल लेता हूं तो अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 8 आई इक्वल टू 4। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्टली क्योंकि ये तो फाइंड करना ही था, 1/4 ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 8 आई। तो देखो अब यहां पर इससे हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बता दी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बताती है और मैट्रिक्स का इनवर्स इनकी मदद से कैसे फाइंड आउट करते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।